समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। दीपावली के त्यौहार को कलेक्ट्रेट में पूरी बुंदेली रंग के साथ मनाया गया। यह संभवतः पहली बार है जब कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की पहल पर दीपावली का त्यौहार मनाया गया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि हम लोग अपने घरों में दीपावली मनाते हैं, लेकिन जिस स्थान से पूरे जनपद वासियों के लिए योजनाएं संचालित होती हैं तथा जन समस्याओं का निराकरण होता है, वहाँ पर भी दीपावली मनाई जानी चाहिए। लगभग एक महीने पहले इस पर कार्य योजना बनाई गई और कलेक्ट्रेट में बुंदेली संस्कृति और बुंदेलखंड के महान व्यक्तित्वों के स्थानीय कलाकारों से पेंटिंग बनवाई गई। उन्होंने बताया कि इसके पीछे उद्देश्य यही है कि बुंदेली संस्कृति के प्रति पर्यटक आकर्षित हों और स्थानीय कलाकारों को भी एक प्लेटफॉर्म मिल सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्थानीय कलाकारों को उपहार भी वितरित किए। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। कि आपके माध्यम से मैं सबसे पहले जनपद झांसी के समस्त सम्मानित जो नागरिकगण हैं उन सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, दीपावली हम लोग अपने घर में मनाते हैं। मेरे मन में आया कि कर्मभूमि जो कलेक्ट्रेट है जहां से समस्त जनपद वासियों को सेवा दी जाती है, वहां भी दिवाली मनाना चाहिए। तो आज से लगभग एक महीना पहले हम लोगों ने बुंदेली संस्कृति, बुंदेल का इतिहास, जो यहाँ की कला है, संस्कृति है, उसको उजागर करने के लिए यहाँ पे जो लोकल बच्चे हैं उनसे पेंटिंग करवाई, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी जो झलकारी बाई हैं, वो ध्यानचंद हैं, और भी जो ऐतिहासिक हमारे ग्रेट पर्सनालिटीज हैं उनकी पेंटिंग बनाई गई है, चितेरी पेंटिंग बनाई गई है। इसका दो ही उद्देश्य है, बुंदेलखंड के इतिहास को जो बाहर के विजिटर हैं उनके सामने लाना और यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म देना। तो फिर से मैं समस्त जनपद वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।